أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون صدق الله العظيم سورة يوسف ترجمہ تفسیر نواروکو अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान रहमत वाला। और जब वो यूसुफ के पास गए और उन्होंने कहा कि हम आपके पास अपने भाई बिन यामीन को ले आए, तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुमने बहुत अच्छा किया। फिर उन्हें इज्जत के साथ मेहमान बनाया और जगह जगह दस्तरखान लगाए गए और हर दस्तरखान पर दो दो को बिठाया गया। बिन यामीन अकेले रह गए तो वह रो पड़े और कहने लगे कि आज अगर मेरे भाई यूसुफ जिंदा होते तो मुझे अपने साथ बिठाते।
हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम्हारा एक भाई अकेला रह गया और आपने बिन यामीन को अपने दस्तरखान पर बिठाया। उसने अपने भाई को अपने पास जगह दी और फरमाया कि तुम्हारे हलाक शुदा भाई की जगह मैं तुम्हारा भाई हो जाऊं तो क्या तुम पसंद करोगे। बिन यामिन ने कहा कि आप जैसा भाई किसे मिले। लेकिन याकूब अलैहिस्सलाम का बेटा और राहील हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की वालिदा की आंखों का नूर होना तुम्हें कैसे हासिल हो सकता है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम रो पड़े और बिन यामीन को गले से लगा लिया और कहा, यकीन जान मैं ही तेरा भाई हूँ। यूसुफ अलैहिस्सलाम तो ये जो कुछ करते हैं उसका गम न खा। बेशक अल्लाह ने हम पर एहसान किया और हमें खैर के साथ जमा फरमाया और अभी इस राज की भाइयों को खबर न देना। यह सुनकर बिन यामीन खुशी से झूम उठे और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहने लगे, अब मैं आपसे जुदा न होऊंगा। आपने फरमाया, वालिद साहब को मेरी जुदाई का बहुत गम पहुंच चुका है। अगर मैंने तुम्हें भी रोक लिया तो उन्हें और ज्यादा गम होगा। इसके अलावा रोकने की इसके सिवा और कोई सबील भी नहीं है कि तुम्हारी तरफ कोई गलत बात जुड़ जाए। बिन यामीन ने कहा, इसमें कोई हर्ज नहीं। फिर जब उनका सामान मुहैया कर दिया और हर एक को एक ऊंट के बोझ के बराबर गल्ला दे दिया और एक ऊंट के बोझ के बराबर बिन यामीन के नाम खास कर दिया, प्याला अपने भाई के कजाबे में रख दिया जो बादशाह के पानी पीने का सोने का जवाहिरात से जड़ा हुआ था और उस वक्त उससे गल्ला नापने का काम लिया जाता था। यह प्याला बिन यामीन के कजाबे में रख दिया गया और काफिला कनान के इरादे से रवाना हो गया। जब शहर के बाहर जा चुका तो भंडार खाने के कारकुनों को मालूम हुआ कि प्याला नहीं है। उनके ख्याल में यही आया कि यह काफिले वाले ले गए। उन्होंने उसकी तलाश के लिए आदमी भेजे। फिर एक मुनादी उद्घोषक ने निदा ऐलान की, ऐ काफिले वालों, बेशक तुम चोर हो। बोले और उनकी तरफ मुतवज्जह हुए, तुम क्या नहीं पाते। बोले, बादशाह का पैमाना नहीं मिलता और जो उसे लाएगा उसके लिए एक ऊंट का बोझ है और मैं उसका जामिन हूँ। बोले, खुदा की कसम तुम्हें खूब मालूम है कि हम जमीन में फसाद करने नहीं आए और न हम चोर हैं। बोले, फिर क्या सजा है उसकी अगर तुम झूठे हो इस बात में और प्याला तुम्हारे पास निकले। बोले, उसकी सजा यह है कि जिसके असबाब में मिले वही उसके बदले में गुलाम बने। और हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की शरीयत में चोरी की यही सजा मुकर्रर थी। चुनाचे उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ जालिमों की यही सजा है। फिर यह काफिला मिस्र लाया गया और उन साहिबों को हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के दरबार में हाजिर किया गया। तो पहले उनकी खुर्जियों की तलाशी शुरू की अपने भाई यानी बिन यामीन की खुर्जी से पहले, फिर उसे अपने भाई की खुर्जी से निकाल लिया यानी बिन यामीन की खुर्जी से प्याला बरामद किया। हमने यूसुफ को यह तदबीर बताई अपने भाई के लेने की। इस मामले में भाइयों से पूछें ताकि वो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की शरीयत का हुक्म बताएं जिससे भाई मिल सके। बादशाही कानून में उसे नहीं पहुंचता था कि अपने भाई को ले ले, क्योंकि मिस्र के बादशाह के कानून में चोरी की सजा मारना और दो गुना माल लेना मुकर्रर थी। मगर यह कि खुदा चाहे यानी यह बात खुदा की मर्जी से हुई कि उनके दिल में डाल दिया कि सजा भाइयों से पूछें और उनके दिल में डाल दिया कि वह अपनी सुन्नत के मुताबिक जवाब दें, हम जिसे चाहे दर्जों बुलंद करें, इनमें कि जैसे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के दर्जे बुलंद फरमाए और हर इल्म वाले से ऊपर एक इल्म वाला है। हजरत इब्ने अब्बास रदी अल्लाहो अन्हुमा ने फरमाया कि हर आलिम के ऊपर उससे ज्यादा इल्म रखने वाला आलिम होता है, यहाँ तक कि ये सिलसिला अल्लाह ताला तक पहुँचता है, उसका इन सबके इन से बरतर है। इस आयत से साबित हुआ कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई आलिम थे और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम उन सबसे ज्यादा आलिम थे। जब प्याला बिन यामीन के सामान से निकला तो भाई शर्मिंदा हुए और उन्होंने सर झुकाए और भाई बोले, अगर यह चोरी करे यानी सामान में प्याला निकलने से सामान वाले का चोरी करना तो यकीनी नहीं, लेकिन अगरचे ये काम उसका हो तो बेशक इससे पहले इसका भाई चोरी कर चुका है।
यानी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम और जिसको उन्होंने चोरी करार देकर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरफ निस्बत किया। वो घटना यह थी कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के नाना का एक बुत था जिसको वह पूजते थे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने चुपके से वह बुत लिया और तोड़कर रास्ते में गंदगी के अंदर डाल दिया। यह हकीकत में चोरी न थी, बुत परस्ती का मिटाना था। भाइयों का इस जिक्र से यह मकसद था कि हम लोग बिन यामीन के सौतेले भाई हैं। यह काम हो तो शायद बिन यामीन का हो, न हमारी इसमें शिरकत न इसकी सूचना। तो यूसुफ ने यह बात अपने दिल में रखी और उन पर जाहिर न की। जी में कहा, तुम बदतर जगह हो इससे जिसकी तरफ चोरी की निस्बत करते हो, क्योंकि चोरी की निस्बत हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरफ तो गलत है। वह काम तो शिर्क का मिटाना और इबादत था, और तुमने जो यूसुफ के साथ किया बड़ी ज्यादतियां हैं, और अल्लाह खूब जानता है जो बातें बनाते हो। बोले, ए अजीज, इसके एक बाप हैं बूढ़े बड़े, उनसे मोहब्बत रखते हैं और उन्हीं से उनके दिल को तसल्ली है, तो हम में इसकी जगह किसी को ले लो, बेशक हम तुम्हारे एहसान देख रहे हैं। कहा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने, खुदा की पनाह की हम ले मगर उसी को जिसके पास हमारा माल मिला, क्योंकि तुम्हारे फैसले से हम उसी को लेने के मुस्तहिक हैं जिसके सामान में हमारा माल मिला। अगर हम उसके बदले दूसरे को लें, जब तो हम जालिम होंगे। अल्लाह अज्जव जल्ला ने सच फरमाया। तर्जुमा और तफसीर कंजुल ईमान। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह अज्जव जल्ला हम सभी को कुरान और इस्लाम के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। और कोशिश कीजिएगा कुरान शरीफ को समझने की। वीडियो को सवाब की नियत से आगे शेयर करें ताकि कयामत तक सदकाए जारिया का सवाब आपको भी मिलता रहे, और क्या पता यही आपके और मेरे, हम सभी के बख्शिश का जरिया बन जाए। कुरान शरीफ की और ज्यादा मालूमात के लिए हमारे चैनल नसीम वाइस सरखेज को सब्सक्राइब जरूर करें। इंशा अल्लाह मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।